हेलो इरेन, आप सब कैसे हो यार? आई होप कि आप सभी ठीक होंगी। अगर आप कंटेंट क्रिएटर है, आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो, तो आपको अपने हर वीडियो के लिए थंबनेल का तो यूज़ करना ही होता है। तो आप अगर अपने थंबनेल को प्रमोट करना चाहते हो, यानी कि आप अपने थंबनेल के अंदर ट्रेंडिंग फ्रंट का यूज़ नहीं करते, तो आपका थंबनेल कभी भी यूट्यूब प्रमोट नहीं करेगा। आप वही पहले के घिसे पुराने थंबनेल में फ्रंट का यूज़ करते हो, तो जो आपका फ्रंट है वो अट्रैक्टिव नहीं लगता, जिसके वजह से यूट्यूब आपके थंबनेल को प्रमोट नहीं करता और ऑडियंस भी जो आपके थंबनेल है उसे पसंद नहीं करती। तो आप कैसे अपने थंबनेल में अट्रैक्टिव फ्रंट का यूज करोगे ताकि आपका जो थंबनेल है वो प्रमोट हो सके? आप कैसे डाउनलोड करोगे, आप अपने पिक्सल ऐप में कैसे ऐड करोगे फ्रंट को, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। वीडियो को स्किप नहीं करना है। और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम ट्रेंडिंग फ्रंट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, पिक्सल ऐप में हमें एक ही फ्रंट मिलता है, जिसे यूज़ करने के बाद, हर बार यूज़ करने के बाद जो हमारा थंबनेल है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। तो सिंपली आपको अपने गूगल में चले जाना है। गूगल में सबसे पहले आपको सर्च करना है गूगल फ्रंट। अगर आप इस तरीके से सर्च करते हो तो आपके सामने बहुत सारे फ्रंट आ जाएंगे और आपको इन्हीं फ्रंट में से कोई भी फ्रंट चाहिए, जैसे कि आपको ब्लैक में चाहिए, रोबोट में चाहिए, आपको बोल्ड में चाहिए, इटैलिक में चाहिए, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के पहले आपको अपने जो इस वेबसाइट को है डेस्कटॉप साइज में ओपन करना होगा। अगर आप डेस्कटॉप साइज में ओपन नहीं करते तो आप यहां से कोई भी फ्रंट का यूज नहीं कर सकते। उसके बाद हम कुछ फ्रंट के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए आपको ट्रेंडिंग फ्रंट के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पॉपी फ्रंट एक डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि आपको एक खंड फ्रंट होता है वो भी आपको डाउनलोड कर लेना है। ऐसे ट्रेंडिंग फ्रंट होते हैं जिसे यूज करने के बाद हमारा जो थंबनेल है वो अट्रैक्टिव लगता है। एक होता है टेक्नो फ्रंट, वो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से सिंपली आपको जब भी फ्रंट को यूज करना है तो आपको डेस्कटॉप साइज में ही ओपन करके फ्रंट को यूज करना है। देखिए, आपको यहाँ से जितने भी फ्रंट चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर गूगल फ्रंट को डाउनलोड कर लिया, जो भी हमें फ्रंट चाहिए था। उसके बाद हमारा एक काम और बस गया है, अब हमें अपने फ्रंट को पिक्सल ऐप में ऐड करना है ताकि हम अपने थंबनेल में उस फ्रंट का यूज कर सके। तो आपके पास फाइल मैनेजर तो होगा, तो आपको अपने फाइल मैनेजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो भी आपका डाउनलोड वाला सेक्शन है आपको डाउनलोड पर चले जाना है। तो आपके सामने जो भी आपने फ्रंट डाउनलोड किया है आपके सामने कुछ इस तरीके से फ्रंट आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस फ्रंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से शो होगा, आपको यहाँ पर उस फ्रंट को एक्सट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से फाइल ओपन होंगी। फाइल ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर एक पिक्सल ऐप वाला भी फोल्डर देखने को मिलेगा। आपको इस पिक्सल ऐप में अपने फ्रंट को मूव कर देना है, यानी कि पेस्ट कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो आपका वो डाउनलोड वाला फ्रंट है वो पिक्सल ऐप में ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर पिक्सल ऐप ओपन नहीं हो रहा है, पिक्सल ऐप शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है। तो आपको अपने प्ले स्टोर से पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ से क्रिएट करना है और एक न्यू फोल्डर पिक्सल ऐप एप्लीकेशन के नाम से क्रिएट कर लेना है, ताकि जो भी आप फ्रंट डाउनलोड करते हो तो आप अपने जो भी फ्रंट को है उसे पिक्सल ऐप में ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने पिक्सल ऐप में फ्रंट को ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने डाउनलोड किया था फ्रंट वो मेरे पिक्सल ऐप में ऐड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो मैं अपने यहाँ पर पिक्सल ऐप ओपन कर रही हूँ और आप साइड में देख सकते हो, लाइव देख सकते हो, मेरे जो भी मैंने फ्रंट डाउनलोड किया था मैंने यहाँ पर पिक्सल ऐप में उन फ्रंट को ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप ट्रेंडिंग फ्रंट का यूज करके अपने थंबनेल में यूज कर सकते हो और अपने थंबनेल को प्रमोट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो में।